मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। जसवंत नगर विधानसभा में मैनपुरी उपचुनाव को लेकर आज कल सपा कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ था, जिसमें शिवपाल के बेटे आदित्य यादव, अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव को कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सम्मेलन में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो आज एक और कार्यक्रम है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने घर में ताबड़तोड़ प्रचार के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ये चुनाव नेताजी की याद में लड़ा जा रहा है। और देखिए आज जिस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है उसकी भी रूपरेखा तैयार है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। इसी रणनीति के तहत कई विधानसभाओं में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन है, लेकिन आज की बात कर ले तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। मैनपुरी के भोगांव विधानसभा में अखिलेश कल रैली की उन्होंने और कहा कि मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताएं और ये साबित कर दें कि मैनपुरी नेताजी की थी और नेताजी की ही रहेगी। ये चुनाव नेताजी का चुनाव है, नेताजी की विचारधारा का चुनाव है, नेताजी के सम्मान का चुनाव है। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है और जिस समय नेताजी हमारे बीच नहीं है भाई, हम और आप मिलकर ही इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत दिलाए, जिससे पूरे के पूरे देश में संदेश जाए कि मैनपुरी के लोग अभी भी नेताजी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। और हर बदलते दिन के साथ मैनपुरी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मैनपुरी में सपा का धुआंधार प्रचार चल रहा है, चुनावी प्रचार को अखिलेश यादव और धार दे रहे हैं। यही वजह है कि हर बदलते दिन के साथ मैनपुरी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्टिव है। नेताजी की विरासत को बचाने के लिए और डिंपल यादव को दोबारा सांसद बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जीत का मंत्र दिया जा रहा है। सफाई में ब्लॉक पदाधिकारियों को बुलाया गया, दावा किया कि सपा इस बार जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। श्रीमती डिंपल यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है, वो इतने बहुमत से जीतेंगी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव इस बार मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी से अटूट रिश्ते के जरिए जीत का रास्ता खोज रहे हैं। अखिलेश यादव ने परिवार को एक मंच पर लाने के बाद भाजपा पर सीधा सीधा हमला बोला है। मैनपुरी ठीक हो गई, किसने के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। भाजपा की रणनीति को साधने के लिए अखिलेश यादव मैनपुरी में वोट बैंक को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।